हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एज के बारे में। जैसा कि हम सभी ने देखा कि रॉयल रंबल 2020 में एज ने इनक्रेडिबल रिटर्न करा, जिनकी वापसी से पहले काफी रूमर्स आए और वो मैंने अपनी वीडियोस में कवर भी करे थे। इवन एज ने वापसी से पूरी तरह डिनाई करा था और कहा था कि इन रूमर्स में सच्चाई नहीं है। बट मैंने ये भी कहा था कि एज अगर सरप्राइज रिटर्न करने वाले हैं तो वो रिटर्न से पहले कहेंगे ही नहीं कि वो वापसी करने वाले हैं, और वैसा ही हुआ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वापसी के बाद WWE में एज के कुछ ड्रीम मैचेस के बारे में, जो फैंस देखना जरूर पसंद करेंगे आने वाले टाइम में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि मैंने कल की एक वीडियो में एज की कॉन्ट्रैक्ट डिटेल आप सभी के साथ शेयर करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि एज साल में 5 मैच लड़ते हुए नजर आएंगे और उनका ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए है। अब करंट में उनकी फ्यूड रैंडी ऑर्टन के साथ शुरू हो चुकी है। वहीं उसके बाद एज WWE के किन किन सुपरस्टार के साथ फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं और मैच लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 5, AJ स्टाइल। एज के लिए ये बेस्ट अपोनेंट साबित हो सकते हैं। AJ स्टाइल ने WWE में काफी कुछ हासिल किया हुआ है और बड़े बड़े मैच उन्होंने ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रोमन रेंज, रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार के खिलाफ लड़े हुए हैं। वहीं एज की जब रॉयल रंबल में वापसी हुई, तब सबसे पहले रिंग में एज ने आके बाकी के सुपरस्टार को स्पीयर दी थी और उनका सामना AJ स्टाइल से ही हुआ था, और एज की एक स्पीयर ने शायद AJ स्टाइल को इंजर्ड भी कर दिया है। तो इन दोनों के बीच मैच रॉयल रंबल से WWE ने शायद प्लान कर दिया है, जो कि आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 4, डैनियल ब्रायन। एज और डैनियल ब्रायन की स्टोरी काफी हद तक सेम है। दोनों ने अपने करियर के टाइम में इंजरी की वजह से एक ऐसा फेज देखा जिसमें उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, बट दोनों ने ही इससे लड़कर शानदार वापसी करी। डैनियल ब्रायन बेहतरीन मैच देने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तो यकीन मानिए एक बड़ा और बेहतरीन मैच इन दोनों के बीच दिखेगा फ्यूचर में। नंबर 3, रोमन रेंज। एज के लिए बिग डॉग एक बड़े अपोनेंट साबित होंगे अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तभी। वैसे इनके सामने आने की उम्मीदें भी हैं, वो इसलिए क्योंकि WWE ने हमेशा से रोमन रेंज को बड़े बड़े लेजेंड्स के सामने उतारा है। अब चाहे वो अंडरटेकर, सीना, ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच क्यों ना हो, तो यकीन मानिए रोमन रेंज के लिए इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम एज का भी हो सकता है। वैसे भी रॉयल रंबल मैच में रोमन रेंज ने ही एज को एलिमिनेट करा था। WWE वैसे भी रोमन रेंज को कंपनी का बड़ा फेस मानती है। अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तो शानदार मैच दिखेगा इन दोनों के बीच, और वैसे भी रॉयल रंबल में एज और रोमन रेंज आमने सामने आए भी थे और काफी देर इनके बीच फाइट दिखी भी थी। नंबर 2, ड्रू मैकइंटायर। रॉयल रंबल में फाइनल 3 सुपरस्टार में रोमन रेंज, ड्रू मैकइंटायर और एज ही बचे थे। रिंग में इनके बीच झड़प भी देखने को मिली थी। ड्रू मैकइंटायर WWE के काफी टफ सुपरस्टार में से एक हैं। अभी तो ड्रू मैकइंटायर का फोकस पूरी तरह से उनके चैलेंजर ब्रॉक लेसनर पर होगा, बट रसलमेनिया के बाद हो सकता है WWE इन दोनों को फ्यूड में डाल दे और इनके बीच एक जबरदस्त मैच दिख सकता है हमें आने वाले टाइम में, जो शायद फैंस को काफी पसंद आएगा। नंबर 1, सेथ रॉलिंस। अब जब एज रिटायरमेंट से वापस आ चुके हैं और उनके ड्रीम अपोनेंट की बात चली रही है, तो उसमें सेथ रॉलिंस का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सभी को साल 2014 की कुछ याद हो तो तब एज के कटिंग एज प्रोमो के दौरान सेथ रॉलिंस ने अथॉरिटी के साथ मिलकर क्रिश्चियन और एज पर अटैक करा था। वो अभी अनफिनिश्ड है, तो WWE जरूर चाहेगी कि इसको आगे बढ़ाते हुए इन दोनों को तो जरूर आमने सामने लाए। अब वैसे भी सेथ रॉलिंस एक बड़े हील के तौर पर रॉ पर दिखाई दे रहे हैं। ये मैच पिछले काफी सालों से मोस्ट अवेटेड मैच रहा है, जो अब एज की वापसी के बाद हमें देखने को मिलेगा, और फैंस इस मैच को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं। तो ये 5 ड्रीम अपोनेंट एज के लिए हैं। अगर आपने एक बात गौर करी हो तो डैनियल ब्रायन को छोड़कर बाकी के सभी 4 सुपरस्टार की रॉयल रंबल में एज से झड़प होती दिखाई दी है, और उसमें से एक आध सुपरस्टार को एज ने एलिमिनेट भी करा था। वैसे एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन की फ्यूड के बाद आप इनमें से एज की फ्यूड किस सुपरस्टार के साथ पहले देखना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर एज की शानदार स्पीयर मारकर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से थैंक यू।